छत्तीसगढ़ के आगामी निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। एमसीबी जिले के चिरमिरी बरतुंगा पॉलिटेक्निक कॉलेज में कक्षाओं के उद्घाटन के मौके पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने भाजपा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल पर तीखे हमले किए। श्रीवास्तव का आरोप है कि पिछले 10 महीनों में मंत्री जायसवाल ने विकास के नाम पर एक भी ईंट नहीं रखी, जबकि कांग्रेस सरकार के समय की परियोजनाओं को अपनी उपलब्धि बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस कड़ी में कांग्रेस के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता केवल दिखावटी काम करते हैं और जनता को गुमराह करने में लगे रहते हैं। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सावन के अंधे को चारों तरफ हरा ही हरा दिखता है और भाजपा की सरकार सच्चे विकास कार्यों को प्राथमिकता देती है, न कि खोखले वादे को। मंत्री जायसवाल ने आगे कहा कि कांग्रेस की सरकार ने जनता को सिर्फ धोखा दिया है और आने वाले निकाय चुनाव में इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। इससे यह साफ हो जाता है कि छत्तीसगढ़ के आगामी नगरीय निकाय चुनावों को लेकर दोनों दलों के बीच राजनीतिक तनाव और आरोप प्रत्यारोप का दौर अब तेज हो गया है। जो कॉलेज आज से 2 साल पहले चालू हो चुका कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में, सिर्फ भवन परिवर्तन करने के नाम पे उसको ऐसा शो किया जा रहा है कि वो नया कॉलेज माननीय मंत्री जी खुलवाएं। मेरा माननीय मंत्री जी से, जो इस क्षेत्र के विधायक भी हैं, उनसे एक प्रश्न है। वो जहाँ भी भाषण देते हैं तो 600, 1400, 1800 करोड़ की बात करते हैं। 10 महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में मनेन्द्रगढ़ विधानसभा में विकास के नाम पे अगर एक भी ईंट कहीं पे रखा गया हो तो उस जगह का नाम माननीय मंत्री जी बता दें, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बता दें, इनकी सरकार का कोई नेता बता दे कि ये मनेन्द्रगढ़ विधानसभा में यह कार्य हुआ। सावन के अंधे को हरियाली ही समझ में आता है। केवल कोई व्यक्ति अपने से रातों रात दीवार में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लिखवा दे, कहीं भी छोटे से कमरे में पॉलिटेक्निक कॉलेज लिखवा दे, कहीं भी हार्टिकल्चर कॉलेज लिखवा दे, कहीं मेडिकल कॉलेज लिखवा दे, तो लिख देने से तो होता नहीं है। अभी भी मेडिकल कॉलेज का काम जो है, मैं बता सकता हूँ कि अभी 10 महीने के अथक प्रयास के बाद भी हम अभी तक टेंडर नहीं करा पाए हैं प्रक्रियाओं में। ये मेडिकल कॉलेज उस समय खोल दिए थे इनके और इनके नेता, इसी प्रकार से पॉलिटेक्निक कॉलेज भी, सारा चीज तो इन्हीं के समय का, तो अपने समय में क्यों नहीं किए? 5 साल का समय बहुत बड़ा समय होता है। हम लोगों ने तो पिछले समय में जो जो किया अपना सब शुभारंभ कर दिए थे, दिखता है काम। तो कांग्रेस के लोग 5 साल भ्रष्टाचार करने में ही मस्त थे, ये और इनकी सरकार 5 साल कोई विकास कार्य नहीं कर पाए, लोगों को सपने दिखाने का काम किया। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं आपके माध्यम से क्षेत्र की जनता को, इन्होंने जो भी सपने दिखाए होंगे वो सबको हम पूरे करते जा रहे हैं। इनके जैसा नहीं है कि लाइवलीहुड कॉलेज चालू था उसको बंद कर दें, हम फिर से लाइवलीहुड भी चालू करेंगे।